सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एबी एजुकेशन चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम हिंदी वर्डमाला को इंग्लिश में कन्वर्ट करके कैसे लिखते हैं, हम हिंदी वर्डमाला को इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक होने वाला है कि आप अगर उसे जान लेते हैं कि हम हिंदी वर्डमाले को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, तो आप इंग्लिश भी अच्छे से जान जाएंगे, इंग्लिश को पढ़ना जान जाएंगे, इंग्लिश में किसी का नाम लिखना हो वो भी आप जान जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम हिंदी वर्डमाले को इंग्लिश में कैसे लिखें, हम एक अक्षर को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसको अच्छे से लिखेंगे और उसको अच्छे से हम समझेंगे, ताकि आपको इंग्लिश में नाम लिखना आ जाए, उसको पढ़ना आ जाए। तो आइए सबसे पहले हम स्वर को लिखेंगे, उसके बाद हम व्यंजन को लिखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपको तो बिल्कुल याद होगा, इसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये बल्कि नहीं याद होगा, तो आज हम इंग्लिश में लिखने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले हमारा है छोटा अ, सबसे पहला अक्षर हमारा छोटा अ, इसे हम अ भी कहते हैं। तो देखिए अ से बनता है ए, क्योंकि हम इसे धीरे से बोलते हैं तो हमारा अ अ ऐसे निकल जा रहा है अ से ए। तो देखिए अ से बनता है ए, तो हम यहाँ पे ए लिख लेंगे ए। उसके बाद देखिए यहाँ पे है आ, बड़ा आ, इसे हम बड़ा आ कहते हैं और इसे आ भी कहते हैं आ। तो देखिए यहाँ पे आ है, देखिए आ से बनता है यहाँ पे ए हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ भी है, उसके बाद यहाँ पे आ की मात्रा भी लगी हुई है, तो एक हो गया आ से ए, एक हो गया आ से ए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई है, तो आ की मात्रा से ए बनता है, तो यहाँ पर भी हो गया फिर डबल ए, तो यहाँ पे हो गया डबल ए। यहाँ पे अ से ए, बड़ा आ से डबल ए, यहाँ देखिए छोटा अ से ए, बड़ा आ से डबल ए। छोटी ई, इमली वाली ई, तो इमली वाली ई से बनता है आई, क्योंकि हम उसे धीरे से बोलते हैं ई, ऐसे बोलते हैं ई से इमली, तो ई के लिए हमारा आई हो जाएगा यहाँ पे, तब हम लिख देंगे आई। यहाँ पे ई के लिए हमारा आई हो जाएगा, इमली वाली ई से आई। उसके बाद देखिए यहाँ पे है बड़ी ई, इसे हम ईक से रिप्रेजेंट करते हैं, ईक, इसे हम इसे ऐसे बोलते हैं, ईक खींच के बोलते हैं ईक, ऐसे इसको, इसको छोटा छोटी से, जैसे इमली, इमली छोटी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे देखिए बड़ी ई से, ईक, बड़ी ई की मात्रा लगी होती है ईक, तो यहाँ से बड़ी ई की मात्रा से बनता है डबल ई। यहाँ पे देखिए जैसे हम खींच के बोल रहे हैं ई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डबल ई, यहाँ पे हो जाएगा डबल ई, डबल ई। उसके बाद देखिए यहाँ पे है छोटा उ, उल्लू वाला उ, छोटा उ से उल्लू, उल्लू के लिए हम यू लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं उल्लू, ऐसे नहीं बोलेंगे उल्लू, ऐसे नहीं बोलेंगे उल्लू पहले ही लगा देंगे, नहीं, यहाँ पे है छोटा उ, छोटा उ से उल्लू आराम से बोलते हैं, तो यहाँ पे छोटा उ से बनता है यू, तो हम यहाँ पे यू लिख लेंगे यू। उसके बाद देखिए यहाँ पे बड़ा उ है, जैसे हम बड़ा उ से बोलते हैं ऊन, ऊन ऐसे बोलते हैं हम ऊन, बड़ा उ से बनता है डबल उ, ऊन, क्योंकि हम इसे थोड़ा सा खींच के बोल रहे हैं ऊन, ऐसे बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पे डबल ओ लगा देंगे डबल ओ। उसके बाद देखिए यहाँ पे है री, री से साफ साफ पता चलता है कि आर आई बनता है री, हमें बोलने से उसके साउंड से ही पता चल जाता है कि ये इसकी स्पेलिंग ये हो जाएगी, ऐसे आप देखकर बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। अब आइए हम दूसरी लाइन लिखते हैं, तो इसको आप कॉपी और पेन लेके लिख लीजिए आसानी से। अब हम यहाँ पे दूसरी लाइन लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिए छोटा आ से ए, बड़ा आ से डबल ए, छोटी ई से आई, बड़ी ई से डबल ई, छोटा उ से यू, बड़ा उ से डबल ओ, री से आर आई। एक ये संगीत की तरह है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा आपको, अगर एक बार आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल ही संगीत की तरह, जैसे देखिए आ से ए, बड़ा आ से डबल ए, छोटी ई से आई, बड़ी ई से डबल ई, छोटा उ से यू, बड़ा ओ से डबल ओ, री से आर आई, ऐसे आसानी से आप एकदम याद कर लेंगे। बस एक बार इसको आप अच्छे से मन से पढ़िए, एकदम अच्छे से आपको याद हो जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं, आप इंग्लिश में किसी का भी नाम भी लिख लेंगे आसानी से। तो इसको आप लिख लीजिए ए आई ओ औ अंग अह, ऐसा में लिखा हुआ है, आप इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है ए, लेकिन ये ए नहीं होगा, मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे ए, ये वाला ए नहीं होगा, ऐसे हम ए के लिए ई का यूज करते हैं ई, जैसे हमने यहाँ पे ए लिखा तो इसके लिए हमें ई का यूज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे ए से ई को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे ई लिख देंगे ई। उसके बाद देखिए यहाँ पे है आई,
आई की मात्रा से बनता है ए आई, ऐसे ही पता लगता है आई, ऐसे जैसे देखिए यहाँ पे है आई आई आई, इसके साउंड से ही पता चल जा रहा है कि इसकी स्पेलिंग क्या होगी। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं आई आई ओ आउ, आउ का भी पता लग जा रहा है ए यू आउ, ऐसे आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं इसको। आप अगर पहली बार लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आप आसानी से लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे ए से हो गया ई, उसके बाद आई आई, तो यहाँ पे हो गया ए और आई आई, उसके बाद देखिए यहाँ पे ओ ओ नहीं कहते हैं ओ माय गॉड, ओ से बनता है सिर्फ ओ, तो यहाँ पे हम ओ लिख लेंगे ओ, ओ से बनता है ओ, ऐसे पता लग गया हमारा मुंह ऐसे हो जाए ओ ऐसे हो रहा है, तो हम यहाँ पे ओ लिख लेंगे है? उसके बाद यहाँ पे है आओ आओ, तो देखिए यहाँ पे जब हम आओ लिख रहे हैं आओ, देखिए ये आओ नहीं होता आओ होता है, ऐसे हम लिखे हैं आओ ऐसे होता है आओ ए यू आओ, ऐसे में पढ़ के ही इसको पता लग गया, इसके साउंड से हमें पता लग जा रहा है कि इसकी स्पेलिंग क्या होगी आओ ए यू, तो हम यहाँ पे लिख लिए ए और यू आओ। उसके बाद देखिए यहाँ पे है अंग अंग, यहाँ पे लिखिए अंग अंग ए और एन अंग अंग की स्पेलिंग हो जाएगी ए और एन, पढ़ने से हमें पता लग जा रहा है इसका साउंड क्या होगा अंग पे हो गया ए और एन अंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे अह अह से बनता है ए और एच, यहाँ पे आपको पढ़ने से ही पता लगेगा, देखिए यहाँ पे जैसे आप लिखिए अह इसको आप पढ़ेंगे अह अह, तो यहाँ पे देखिए अ और ह अह हो गया ए और एच अह ए और एच, तो इसको भी आप लिख दिए, तो इसको भी देखिए आप ऐसे पढ़ सकते हैं ए से ई ऐ से ए आई ओ से ओ औ से ए यू अंग से ए एन अह से ए एच, ऐसे वे संगीत में आप पढ़ सकते हैं एकदम ही आसानी के साथ ए से ई ऐ से ए आई ओ से ओ औ से ए यू अंग से ए एन अह से ए एच, ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, संगीत के साथ साथ आपको याद हो जाएगा, तो इसको भी आप आसानी से लिख लीजिए। तो हमारा ये स्वर खत्म हो गया, अब हम व्यंजन को लिखते हैं, अब ये हमारा स्वर यहीं पे खत्म हो जाता है, यहाँ तक हमारा अ से अह तक हमारा स्वर होता है और क से ज्ञ तक हमारा व्यंजन होता है, तो इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम व्यंजन को स्टार्ट करते हैं। तो अब आइए हम व्यंजन को इंग्लिश में लिखते हैं, देखिए सबसे पहला अक्षर हमारा क, क से बनता है हमारा के, तो हमें पढ़ने से ही पता लग जाता है क के, क से बनता है के, हमें पढ़ने से साउंड से पता लग जाता है कि कौन से अक्षर से कौन सी स्पेलिंग बनेगी, इससे यहाँ पे देखिए क, क से के, ऐसे साफ साफ पता चल जा रहा है, तो हमारा क से बनता है के, क से बनता है के। उसके बाद देखिए यहाँ पे है ख, ख से बनता है के और एच, ख से देखिए ख, उसमें थोड़ा सा क भी आ रहा है थोड़ा सा ख भी आ रहा है, ख ख पहले कर उसके बाद ख, देखिए ख पहले क और उसके बाद ख से बनता है के और एच, तो यहाँ पे हम लिखेंगे के और एच, ख से बनता है के और एच, तो यहाँ पे देखिए ग से बनता है जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी, तो यहाँ में पढ़ने से ही पता लगे ग, ग से जी, ऐसे ही ऐसे में साउंड से ही पता लग गया था कि इसकी स्पेलिंग ये हो जाएगी, इतना आसान है देखिए इसको सीखना, अगर आप एक बार जम के मेहनत कर दे, एक बार इसको सिर्फ अच्छे से पढ़ लीजिए मन से, उसके बाद ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए घ घ, यहाँ पे थोड़ा सा ग भी है थोड़ा सा घ भी है, देखिए घ थोड़ा सा ग उसके बाद घ, तो यहाँ पे बनता है घ से जी और एच, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जी और एच, घ से बनता है जी और एच। उसके बाद यहाँ पे है ng, ng, यहाँ पे ng से बनता है एन और जी, ng से एन और जी, ng से बनता है एन और जी, तो यहाँ पे ये देखिए हमारा अब क से ng तक ये हमारा हो गया, क से के, ख से के एच, ग से जी, घ से जी एच, ng से एन जी, देखिए ये आपको एकदम ही म्यूजिक में आपको ये याद हो जाएगा एकदम ही आसानी के साथ, तो आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको इंग्लिश में नाम भी लिखना आ जाएगा, पढ़ना भी आ जाएगा और किसी को इंग्लिश आप पढ़ा भी सकते हैं, दो दो तीन तीन फायदे हैं इसमें, इसको भी आप लिख लीजिए क से के, ख से के एच,
ग से जी, घ से जी एच, ng से एन जी। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। अब आइए हम अगली लाइन देखते हैं। तो देखिए अब अगली हमारी लाइन है च से यहाँ तक। अब इसको कैसे लिखेंगे भाई? इसको भी वैसे लिखेंगे जैसे हमने क से ng तक लिखा था। च पहले सी उसके बाद एच, च च से बनता है सी और एच, हम यहाँ पे लिख लेंगे सी और एच। उसके बाद देखिए यहाँ पे छ आया है, छ जैसे च है उसके बाद जैसे यहाँ पे च से मिलता जुलता छ है। जैसे यहाँ पे पहले च आ रहा है उसके बाद छ, छ पहले च थोड़ा सा उसके बाद छ, उसके यहाँ पे देखिए छ से बनता है सी डबल एच, यहाँ पे सी डबल एच छ। उसके बाद हमारा यहाँ पे जा, जा जब हम बोलते हैं तो हमें ज से पता लग जाता है हमारा जे होगा, ज से बनता है जे, तो हम यहाँ पे जे लिख लेंगे जी। तो हमें इसको पढ़ने से इसके साउंड का आसानी से पता लग जाता है। तो साउंड के हिसाब से हम इसकी स्पेलिंग भी लिख ले रहे हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिए झ, झ पहले यहाँ पे ज थोड़ा सा आ रहा है उसके बाद झ, देखिए झ झ, तो यहाँ पे झ से बनता है जी और एच, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी और एच, झ से जे एच हो गया। उसके बाद इया, 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 उसके बाद यहाँ पे इया से बनता है वाई और एन, वाई और एन, इया से बनता है वाई और एन। इसको भी आप देखिए आसान, च से सी एच, छ से सी डबल एच, ज से जे, झ से जे एस, इया से वाई एन। इसको भी आप एकदम म्यूजिक की तरह पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो आप इसको भी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम अगली लाइन देखते हैं। आप वीडियो को स्टॉप करके चाहे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगली लाइन देखिए, यहाँ पे ट, हमें ऐसे साफ साफ पता लग जाएगा ट से टी, ऐसे आपको साफ साफ साउंड से ही पता लग जाता है कि ट से टी होगा, ऐसे पता लग जाएगा ट से टी, आप ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे ठ, ठ से देखिए थोड़ा सा पहले ट और उसके बाद ठ, ठ पहले ट रहा उसके बाद ठ रहा, उसके बाद यहाँ हम यहाँ पे लिखेंगे टी और एच, ठ से बनता है टी और एच। उसके बाद यहाँ पे है ड, डमरू वाला ड, ड से बनता है डी, डमरू वाला ड से बनता है डी, हम यहाँ पे लिख लेंगे डी। उसके बाद यहाँ पे है ढ, ढ से ढकना, ढक्कन जो होता है उसे ढ से ढकना हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ढ से बनता है डी और एच, यहाँ पे ड उसके बाद ढ, ढ से बनता है डी और एच, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी और एच, ढ ये हो गया। उसके बाद ड है, ड से बनता है एन और ए, ड यहाँ पे हो गया एन और ए, एन ए। उसके बाद देखिए इसको भी आप म्यूजिक में आसानी से पढ़ सकते हैं, ट से टी, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच, ड से एन ए, ऐसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, आपको याद भी हो जाएगा आसानी के साथ अगर आप ऐसे म्यूजिक में बना के इसको पढ़ते हैं तो। तो इसको इसको भी आप लिख लीजिए, ट से टी, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच, ड से एन ए। तो चलिए हम अगली लाइन अब देखते हैं। देखिए अब हमारी अगली लाइन है त थ द ध न, त थ द ध न, इसको भी हम इंग्लिश में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए त, त से वो तरबूज वाला त, तरबूज वाले त से बनता है टी, तो देखिए यहाँ पे ट से भी टी बनता है और त से भी टी बनता है। यहाँ पे देखिए त है तरबूज वाला त, तरबूज वाले त से बनता है टी, यहाँ पे टी लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे थ, थ से बनता है टी और एच, यहाँ पे लिखेंगे हम टी और एच। देखिए आपको अगर ट में, त में इसमें आपको कंफ्यूजन हो तो मैं इसके बाद अगली वीडियो बना दूंगा, तो पहले आप इसको देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको वो सब बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे है द, द, द से बनता है डी, देखिए यहाँ पे ड से भी डी बनता है, यहाँ पे द से भी डी बनता है, ये क्यों, ये सब मैं आपको वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे द है, द से बनता है डी, डी, तो यहाँ पे है ध, ध से बनता है डी और एच, डी और एच हो गया, ये हो गया। उसके बाद न, देखिए यहाँ पे यहाँ से भी एन बनता है और न से भी एन बनता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एन, एन। हम इसको भी म्यूजिक की तरह बना के पढ़ सकते हैं, त से टी, ठ से टी एच, द से डी, ध से डी एच, न से एन, ऐसे हम इसको म्यूजिक में पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और म्यूजिक भी हमें याद हो जाएगी। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवा, ध से धनुष, न से नल, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तरबूज वाले त से टी बनता है, थ थर्मस वाले थ से टी एच बनता है, ऐसे भी आपको याद हो जाएगा अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे
इसको भी आप लिख लीजिए अच्छे से। पहले एक लाइन लिखिए, उसके बाद दूसरी लाइन लिखिए, उसके बाद तीसरी लाइन लिखिए, ऐसे करके आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आइए हम आप अगली लाइन देखते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए अच्छे से, पतंग वाले पा से बनता है पी पा। तो यहाँ पे पतंग वाले पा से बनता है पी। उसके बाद देखिए यहाँ पे है फ, फ से बनता है पी एच। यहाँ पे फ से फल वाला फ, फल वाले फ से बनता है पी और एच। यहाँ पे लिख लिए पी और एच। यहाँ पे अगला अक्षर हमारा ब, ब से बनता है बी, तो हम यहाँ पे लिख लिए बी। उसके बाद यहाँ पे है भ, भ से बनता है बी और एच, बी और एच, भालू वाला भा, भालू वाले भा से बनता है बी और एच। माँ, माँ से मछली वाले माँ से बनता है एम, तो हम यहाँ पे लिख लिए एम, एम मछली वाले से बन गया एम। यहाँ पे देखिए इसको भी आप म्यूजिक में याद कीजिए, यहाँ पे प से पी, फ से पी एच, भ से बी, भ से बी एच, म से एम, एकदम आसानी से याद कर लेंगे। अगर आपको एक बार ये याद हो गया तो म्यूजिक में आप भी पढ़ सकते हैं, इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिए कॉपी में। तो आइए हम अगली लाइन को देखते हैं। अब देखिए हमारी अगली लाइन है, यहाँ पे य, र, ल, व, बड़ा सा या, या से यज्ञ वाला या से बनता है वाई, या से वाई। यहाँ पे र, रथ वाले जिसपे राजा बैठ के आते हैं, रथ वाले र से बनता है आर, रथ वाले र से बनता है आर। उसके बाद यहाँ पे है ल, ल से लट्टू वाले ल से बनता है एल, एल। वा, वा से वक वाला, जो वक, वक होता है जो मछली को खाता है तालाब में, वा से वक, वक से बनता है वी, वी। तो यहाँ पे बड़ा स, बड़ा स, यहाँ पे देखिए बड़ा सा उसके बाद मुधनी सा होता है, उसके बाद छोटा सा होता है, यहाँ पे बड़ा स से बनता है एस एच, यहाँ पे बनता है एस और एच इसको। तो आप इसको भी अच्छे से लिख लीजिए कॉपी में। और आपको एक काम और करना है, आपको इसे याद करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अ से अह तक जो हमने स्वर बताया हुआ था, पहले आप स्वर को कीजिए, स्वर को याद करके उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उसके बाद आपको व्यंजन को करना है। आइए हम आप अगली लाइन देखते हैं। तो अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा है मूर्धन्य सा। अब मूर्धन्य सा से हम क्या लिखते हैं, मूर्धन्य सा से हमारा बनता है एस एच। यहाँ पर भी मूर्धन्य सा से एस एच बनता है, हम यहाँ पे लिखेंगे एस एच। उसके बाद यहाँ पे है छोटा सा, छोटा सा से बनता है सिर्फ एस, छोटा सा से हम एस लिख लेंगे। उसके बाद ह, ह से बनता है एच, ह, ह, ह से बनता है एच, ह से हाथी वाले ह से बनता है एच। यहाँ पे यह षटकोण वाले सा से बनता है एस एच, यहाँ पे सपेरा वाले सा से बनता है एस, यहाँ पे छ से, छ से छतरी, छतरी वाले छत से बनता है के एस एच, यहाँ पे छत से के एस एच बनता है, यहाँ पे छत से के एस एच बनता है हमारा। और तरह से, तरह से आपको एकदम ही देखिए इसको पढ़ लेते हैं आप तो आप इसकी स्पेलिंग आसानी से लिखे होते हैं, तरह से टी आर ए, तरह टी आर ए, तरह, तरह की स्पेलिंग ये हो जाएगी टी आर ए तरह। अब ज्ञा, ज्ञा से पहले आया ग, उसके बाद या पे आ की मात्रा ज्ञा, तो यहाँ पे ग से बनेगा जी, जी। उसके बाद या से वाई, वाई। उसके बाद आ की मात्रा से ए, ए। ग्या, ग्या की स्पेलिंग हो जाएगी जी वाई ए, ग्या। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। अगर ये सब आपको लिखने या पढ़ने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ हो, थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका जवाब आपको जल्द दे दिया जाएगा। या फिर आपको किसी प्रकार की वीडियो चाहिए होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस प्रकार की आपको वीडियो मिलेगी और आपको आसानी से यहाँ पे समझा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।